हमीरपुर के हीरानगर में निजी स्कूल की तेज रफ्तार बस ने बेकाबू होकर सड़क किनारे दीवार को तोड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों का कहना है कि निजी स्कूल की बस इतनी रफ्तार में आ रही थी कि बस चालक नियंत्रण खो बैठा और बस ने 30 मीटर लंबी दीवार को तोड़ा। गनीमत रही कि स्कूल की बस के अंदर कोई भी स्कूली छात्र नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस समय बस गलत साइड आकर दीवार से टकराई तो उस समय उस साइड कोई भी पैदल व्यक्ति नहीं चल रहा था, नहीं तो जानी नुकसान बहुत होता। घर की मालकिन ने बताया कि ओवर स्पीड निजी स्कूल बस ने ग्रिल, गेट और दीवार सभी को तोड़ दिया है और मौके पर से बस को लेकर चालक फरार हो गया। देखो मैं अभी अभी स्कूल से आई तो मैंने बस से उतरते ही देखा मेरा ये पूरी ग्रिल, पूरा गेट ये नीचे पड़ा हुआ पिल्लर के साथ, सीवरेज की ये जो पाइप हमारी लगी हुई है ये भी टूटी हुई है। और यहाँ पे लोग इकट्ठा थे, मैंने जैसे ही पता किया कि ये क्या हुआ तो कहते हिम्मत एकेडमी स्कूल की बस थी कोई जिसने ये हिट किया उसके। अब जो लोग थे वहाँ पे वो कहते कि ओवर स्पीड में थी और ये मतलब पे किसी को ओवरटेक कर रही थी या किसी को पास दे रही थी, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला कि ये ओवर स्पीड में और वो लगती गई दीवार के साथ में। हमारी ग्रिल, गेट, पिलर, पाइप ये सब टूटा हुआ। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह घर पर सो रहा था तो बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी और नीचे आकर देखा तो सब कुछ टूटा हुआ था। मैं तो ऊपर सोया था, मुझे जैसे यहाँ नीचे आवाज सी आई थी, कोई थोड़ा बहुत बस कुछ बजने की आवाज़ आई है, मुझे लगा कुछ भूकंप उठना आ गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो फिर बस तो थोड़ी आगे वहाँ पर रुका हुआ था, फिर मैं परे तो गया नहीं, इतने में ऑनर आ गए, इन्हीं को कंसोल कर रहे थे बता रहे थे।